हेलो फ्रेंड्स, मेरा एक फ्रेंड था जॉन। कल रात उससे मैंने मिला था, काफ़ी उदास था। एक्चुअली क्या हुआ था, उसके सर ने उसे 2 करोड़ रुपया दिया एंड कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम बताए कि ये सब वो एम्प्लॉयज़ थे। उन्होंने कहा कि इन सब एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना है, इतना इतना पेमेंट करना है। अब इतने सारे एम्प्लॉयज़ में से इतने लोग उसके पास आए पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो अब उसको देखना था कि किसको किसको कितना कितना पेमेंट करना है, क्योंकि अमाउंट सब डिफरेंट डिफरेंट था। तो अब वो बैठा बेचारा एक एक करके एक एक नाम खोज के फिर उसके बाद यहाँ पेमेंट लिख रहा था। फिर उसके एक फ्रेंड ने बताया कि इतना क्यों कर रहे हो, एक काम करो, कंट्रोल F का यूज़ करो एंड फाइंड करके फिर उसके बाद पेमेंट कर दो उस हिसाब से। लेकिन वैसे भी बहुत टाइम लग रहा था, तो फिर बेचारा मेरे पास आया। फिर मैंने उसे वी लुकअप के बारे में बताया, वी लुकअप सो इसे कैसे यूज़ करते। तो वो बताने के पहले चलिए पहले सेल को डिफाइन कर देते, जिसमें से हमको डाटा खोजना है। तो हमें ये सब में से सर्च करना है, तो पहले इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे। अब इसको कैसे डिफाइन करते, जो भी आपको डिफाइन करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेल लिया है सो डैट इनकेस अगर बाद में कुछ ऐड करना हो तो वो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिर एक डिफाइन नेम ऑप्शन आएगा, डिफाइन नेम को सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर कुछ भी नाम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पेड लिख दिए, पेड को आप फिर ओके कर दीजिए। तो ये अब हमारा सेल डिफाइन हो गया। देन फिर यहाँ पर जाइए, फिर उसके बाद कमांड दीजिए इज इक्वल टू वी लुक अप देन कॉमा स्टार्ट। फिर उसके बाद हमें क्या खोजना है, तो हम लोग को यहाँ राम का नाम खोजना है, तो राम को सेलेक्ट कर लीजिए, राम वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हम लोगों ने D3 सेलेक्ट कर लिया। अब किस में से खोजना है, तो हम लोग को खोजना है ये वाले सेल में से A1 और B1। तो इसलिए हम लोग इस टेबल का नाम जो हम लोग दिए थे पेड, तो यहाँ पेड लिख दीजिए। फिर उसके बाद अब हम लोग को देखना है कि ये कहाँ से मीन्स कौन से सेल में होगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 1 लिखते तो ये यहाँ पर राम का राम कॉपी हो जाता, अगर हम यहाँ 2 लिख रहे तो यहाँ अमाउंट 50,000 कॉपी हो जाएगा, तो ये लिख दीजिए। फिर उसके बाद ट्रू की फॉल्स, अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तब फॉल्स लिख दीजिए, अगर आपको अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो ट्रू लिख दीजिए। उसके बाद कॉमा क्लोज, उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं राम के बगल में 50,000 था, तो यहाँ ऑटोमेटिक 50,000 लिखा गया। इसी तरह से आप बाकी सब में भी कॉपी कर सकते हैं फॉर्मूला। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राजू के आगे NA लिखा हुआ है, डेट मीन्स इस लिस्ट में राजू नहीं है। वैसे ही किरण के आगे 30,000, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ किरण लिखा है उसके आगे 30,000, तो यहाँ 30,000 लिखा गया। तो ये है वी लुकअप का यूज़। अब यहाँ जैसे NA लिखा हुआ है एरर, तो अब हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर पेड लिखा जाए, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल है, यहाँ पर आप जाइए उसके बाद इफ़ एरर लिखिए, इफ़ एरर लिख दिए, फिर वापस से कॉमा स्टार्ट देन यहाँ पर कॉमा एंड देन आपको क्या लिखना है पेड। पेड इज अ टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में आप पेड लिख दीजिए, PAID पेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पर पेड लिखा गया। इसी तरह से आप सबको कॉपी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कितना इजी हो गया ये। तो ये था वी लुकअप एंड इफ एरर को कैसे यूज करते हैं। अगर आप और भी एक्सेल सीखना चाहते हैं या और एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हैं कॉमर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, सो आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ऑप्शन वहीं पर लिखा होगा एंड आप बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं सो डैट आप जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप नोटिफाई हो जाए। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग।